तो भाई लोग कैसे हो? तो यार बैक दी वेलकम, स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू पबजी मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। और यार जब मैं इसे खेल रहा होता हूँ ना, मैं बहुत गुस्से में होता हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई कुछ ढंग से हो ही नहीं रहा होता है। ठीक है, पिछले 5-6 मैच उतरते ही ठिल जाते हैं, बहुत ही गलत सीन हो रखे होते हैं। तो मैं बोलता हूँ ऐसी की तैसी मैं अंधा रस करूंगा, ठीक है, बिल्कुल अंधा। गन हो कुछ हो ना हो भैया, अंधा रस करेंगे तो देखने को मिल जाएगा। अभी आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना, और इसमें एक बहुत खतरनाक सा क्लच भी होगा, तो यार वो थोड़ा आगे देखने को मिलेगा। तो यार जो बचा कुचा गुस्सा है उसे मैं जरा डिटॉल के पानी से धो के ठीक करके आता हूँ, है ना। आप देखो यार क्या करता हूँ मैं, अब आगे गलत सीन। लेकिन यार इस दो हैं मेरे पास नॉक्स के मेल, लॉल क्या अब यहाँ पे गुस्से गुस्से में मैंने 4 लौंडे ठिला दिए थे, ठीक है, नॉक नुक करके, मतलब फेंक दिया था, ठीक है। पर जो सेटिस इन्फेक्शन मिली है ना भाई ये रस करके, भाई वो अलग लेवल पे थी। जब अच्छा गेम जाता है ना भाई कुछ बुरे गेम के बाद, भाई बहुत अलग लेवल की मिलती है सेटिस इन्फेक्शन, ठीक है। तो फिलहाल मैं इन्हें ठिलाने के लिए आ गया है ना, अब थोड़ा गुस्सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे अच्छे से किल करके ठिल गए ना भाई, तो यार गुस्सा डबल हो जाएगा। तो बस जाके इन्हें पेलता हूँ और फिर बाकी लॉन्डो पे करते हैं रस बिल्कुल। कितने अब यहाँ पे मुझे लगा था यार बस वही जो 4 लॉन्डे ठिलाए वही है ना, यहाँ पे पूरी स्क्वाड बैठी थी, ठीक है, और चारों तीनों लॉन्डो के पास एक ही वही भालू वाले कपड़े। अरे भैया फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है क्या, ठीक है। और मुझे यहाँ पे रिवाइव करने जाना था, लेकिन देखो यार गुस्सा अभी पूरा शांत हुआ नहीं था, तो पूरा किल किया मैंने, है ना। फिर एक लौंडा उधर ही नॉक पड़ा है, तो अपने टीममेट को रिवाइव दूंगा, जाके पेलूंगा और निकलेंगे बाकी लौंडे रस करने, है ना, सबको ठिलाना है भाई, बहुत मतलब मजा आ रहा है बिल्कुल। और सब कुछ ओ पेड़ में वगैरह। अभी इधर कितने करोड़ साल बाद आए मैम, बेट करें ओ हट हट अब यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आते हैं, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम के बाद। तभी मेरा ये टीममेट ये करोड़ साली वाली बकवास कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे इन लॉन्डों ने फ्लेयर चलाई होती है, तो हम गाड़ी लाके पहुँच जाते हैं, है ना। लॉन्डे अभी बिखरे पड़े हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो पेलना पड़ेगा यार अलग अलग डायरेक्शन में भी, है ना। Thank you.
अब यहाँ पे मेरी सस्ती कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे पता चलता है कि एक ही लौंडा बाकी है ना, और वो यहीं कहीं छुपा है, लेटा हुआ है। ठीक है, तो लौंडे भगभगा रहे होते ओपन में, है ना। और यहाँ पे मैं अपनी वो जो फुटपाथ की ट्रेनिंग मिली थी ना मुझे वीडियो वीडियो देख के दल्लू भाई की, वो यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो भाई लोग देखो, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है, किसी ने नहीं बोला है कि आप गोली तभी चलाओ जब आपको लौंडा दिखे। ठीक है, देखो मुझे थोड़ी सी पोजीशन याद थी भाई की, है ना। वहाँ पे लेटे हुए थे उनके जो नॉक टीममेट को मैंने ठिला दिया था गाड़ी से, वो भाई वहीं पे लेटे हुए थे। तो मैंने बोला क्यों ना चला दी जाए, एमओ सस्ती हो रखी है ना, बहुत सारी है, कोई कमी नहीं है। तो चला दी भैया और लग गई। ठीक है, तो जरूरी नहीं है यार कि जब आपको लौंडा दिखे आप तभी फायर करो, अंधा फायर करो। ठीक है, क्या पता लग जाए। और याद रखना कवर में टाइम से वापस आ जाना, क्योंकि हो सकता है वो आपको देख पा रहा हो और आप उसे ना देख पा रहे हो। और मैं कह रहा हूँ मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ केस करने। व्हाट द फक, ओ हाँ, अबे यार व्हाट द फक, स्कूल में गया और दो लौंडे। एक और गाड़ी, एक पीछे गई थी गाड़ी। तो यार वो जो गाड़ी पीछे गई थी ना, उन्हीं लॉन्डो के साथ आपको एक बहुत ही खतरनाक कलच देखने को मिलेगा, है ना। पर फिलहाल के लिए यार देखो, ऑम मिल गई है मुझे इन लॉन्डो से, तो चलाते हैं यार थोड़ा, है ना, चलाते हैं बिल्कुल। हमें घर वालों ने देहरादून भेज दिया जानबूझ के, लॉल। और मेरे घर वालों ने स्कैम किया मेरे साथ, साफ सी बात। मुझे घूमने के लिए मुझे मुझसे बोला घूमने जा देहरादून 5 दिन। क्या हुआ, बंदे है क्या? हाँ पड़ी उसे। तो यार अभी के लिए, ठीक है, सिर्फ अभी के लिए बग्घी वालों को हमने जाने दिया, क्योंकि देखो पीछे गाड़ी गई थी और मुझे पहाड़ी पे बंदे खड़े दिख रहे। तो इनसे लड़ेंगे हम और एक बहुत ही खतरनाक कलच देखने को मिलेगा आपको, है ना। यहाँ से मैं एक नॉक करने की कोशिश करूंगा, फिर जाके भैया रस कर देंगे गाड़ी से बिल्कुल, है ना। दिक्कत कहाँ आ रही है यार। अब यहाँ जाके हम हाई ग्राउंड ले लेंगे, है ना। देखो हाई ग्राउंड से एंगल उंगल ढंग का मिल जाएगा और जो नीचे होंगे बंदे उन्हें पुश करने में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आके गाड़ी रोक दी मैंने, देखूंगा लौंडे किधर है। और भाई बिल्कुल गलत सीन होंगे, रेडी हो जाओ। उफ, उफ, उफ। तो यार ये उफ 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 सुन के मतलब मेरा मूड बैठ सा गया। मतलब ये कैसी आवाज है भाई, क्यों कोई ऐसी आवाज है, क्यों निकालेगा। खैर वो सब छोड़ो यार, यहाँ पे दो लौंडे थे, उन्हें ठिलाने के बाद ही इनके दो लौंडे और रस कर जाते गाड़ी लेके बिल्कुल। भैया ये भी दल्लू भाई बनना चाहते थे, पर देखो यार फुटपाथ की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, फुटपाथ पे चलाओगे नहीं तो नहीं कुछ ले जाते लौंडे, है ना। तो फिलहाल मैंने अपने टीममेट को रिवाइव दे दिया, पूरी स्क्वाड क्लच कर गया, 15 किल थे, 19 हो गए, 4 किल हो गए ना शायद। हाँ, वो सब छोड़ो यार, अब जो बग्घी भगी थी ना यार, तो उनको भी पकड़ना है भाई, ऐसे कैसे जाने दें। तो बग्घी वालों के घर पे अटैक करेंगे बिल्कुल।
अब यहाँ पे आखिरकार तीन ही लौंडे बसते हैं ना, तो वो एक पूरी टीम होती है तीन लौंडों की, तो 3v2 चल रहा है यहाँ पे। फिलहाल मैं बस यहाँ पे अपार्टमेंट में आके देखने की कोशिश कर रहा हूँ किधर है ना, और बाद में पता चलता है वो जो आगे घर दिख रहा है ना लाल साहब, वहाँ पे बैठे होते लौंडे, तो उन्हें जोन में आना पड़ता है। तो यार देखो ओ में भाई पे है ना, तो सस्ती स्नाइपिंग तो बनती है यार, ठीक है, तो नाकाम कोशिशें करी जाएंगी अब स्नाइपर चलाने की। जो उसके पीछे घर में है नूब, अभी देखे मैंने नूबड़े जा रहा हूँ कहाँ पे। अब यहाँ पे मेरा टीममेट देख लेता है कि यार सारे लौंडे उसी साइड है ना, घर घूर की साइड, तो गाड़ी की तो ऐसी तैसी करी दी होती है अपार्टमेंट वाले लौंडों ने, तो हम इनकी बग्घी चुरा के भग जाते हैं। ठीक है, भगते इसलिए क्योंकि यार हमें भी जोन में जाना है, नहीं तो ये परफेक्ट प्लेस थी, क्योंकि देखो हाई ग्राउंड है ना, हाई ग्राउंड इज इक्वल टू क्या बोलते हैं अंग्रेज, एडवांटेज, ठीक है एडवांटेज, तो हाई ग्राउंड से बिल्कुल लो ग्राउंड में आ गए बिल्कुल है ना। खैर अब स्पॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि लौंडे सांप बने पड़े हैं। कर मार कर ना, कौन से पेड़ के एनिमीज अहेड। अब यहाँ पे मैं पीछे जा रहा हूँ तो अपनी बग्घी उठाने के लिए है ना, जो चोरी की थी बग्घी वो उठाने के लिए, सोच रहा था फिर से थोड़ा फुटपाथ वाला एक्शन दिखाऊँ है ना, लेकिन मेरा टीममेट खतरों के कबाड़ी बन गए, मतलब उड़ते हुए नेट फेंक दिया भाई ने, दोनों लौंडे खलास। ठीक है एक रिवाइव हो रहा था, अच्छा वो नहीं हुआ, किल बच गई, नहीं तो मेरा लौंडा ले जाता। खैर वो सब छोड़ो भाई लोग, यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वो क्लच कुलच पसंद आया हो, ये बैरल बुरुल वाला है ना, तो यार लाइक जरूर करना, और नए हो तो यार सब्सक्राइब करो है ना। ये देखो ये पड़ी लाशें दोनों लौंडों की है ना, बिल्कुल कहते सेक्सी लूट थी इन पे भी। खैर भाई लोग आज की वीडियो में इतना, यार मुझे कसम से पता भी नहीं है अब क्या बोलना है, और वॉइस क्यों ओपन रख रखा है। ठीक है ये देखो ये हवाई हमला है, ठीक है इसे मैं नशे करके हवा में उड़ना कहता हूँ, देखो कैसे मतलब बिल्कुल हवा में तैर रहा है भाई, खतरनाक। ठीक है तो ये भी अच्छा लगा होता यार लाइक जरूर करना, ठीक है, और कल मिलते हैं भाई लोग यार, बाय बाय।